आप सभी का पुनः स्वागत नगरीय भूगोल की श्रृंखला में। आज हम नगरीय प्रसार या नगरीय जो फैलाव की जो संकल्पना है उसकी बात करेंगे। अब परिभाषित स्तर पर अगर हम नगरीय प्रसार की बात करें तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो नगरीय जो क्षेत्र होता है, नगरीय जो अधिवास है, नगरीय जो क्रियाकलाप हैं या नगरीय जो एक सांस्कृतिक जो स्वरूप होता है, वहाँ पर जो द्वितीयक तृतीयक जो चतुर्थक गतिविधियाँ जो होती हैं उनका क्षितिज जो प्रसार है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, नगर बाहर की तरफ अपना विस्तार शुरू कर देता है। अगर हम इस नगरीय विकास को समझना चाहते हैं, नगरीय प्रसार को समझना चाहते हैं, तो इसको हम चार चरणों में बांटकर इसका जो डेवलपमेंट जो होता है उसको हम समझ सकते हैं। प्रथम चरण जब होता है तो सबसे पहले जो नगरीय जो क्षेत्र होता है उसकी पेरिफेरी के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है उसको अपने में समाहित कर लेता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो नगरीय जो क्षेत्र होता है उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है, साथ ही इन नगरीय क्षेत्र जो होते हैं प्रक्रियात्मक रूप से विशिष्ट होते हैं, तो यहाँ जो प्रवसन के माध्यम से भी यहाँ की जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति होती है कि अत्यधिक जनाधिक्य होने के कारण ये इसकी जो क्षमता है जनसंख्या को अपने यहाँ समाहित करने की वो उससे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या हो जाती है, तो ये बाहर की तरफ जो है प्रसार करना शुरू कर देता है। तो प्रथम जो चरण होता है ये नगरीय विकास में ये स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। द्वितीय चरण की जब बात करें तो जब नगर के लोग नगर के बाहर किंतु नगर की सीमा से लगे हुए जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिवास प्रारंभ कर देते हैं बनाने के लिए। कारण सिंपल है, क्योंकि केंद्रीय जो नगर होता है उसके आंतरिक भागों के अंदर भूमि की अनुपलब्धता होती है, जनसंख्या आधिक्य ज़्यादा होता है, भूमि की जो किराए की जो लागत होती है बहुत ज़्यादा होती है, भूमि की स्वयं में अपनी जो क्रय भूमि की जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग यहाँ बाहर की तरफ भूमि की उपलब्धता उसकी कीमत कम होने के कारण अधिवास बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और जब हम यहाँ नगरीय इकोलॉजी की बात करते हैं तो नगरीय इकोलॉजी का मतलब वहाँ पर वहाँ का जो सामाजिक संगठन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वहाँ पर जनादि के कारण विभिन्न जो पर्यावरणीय और प्रदूषणकारी जो समस्याएं हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। वहाँ का जो औद्योगिक एटमॉस्फेयर है वहाँ पर औद्योगिक को स्थापित करने के लिए भूमि की अनुपलब्धता हो जाती है, वहाँ पर जो वर्कर जो काम करता है उसके लिए रेंट बहुत ज़्यादा होता है तो बाहरी क्षेत्र के अंदर रहना पसंद करता है। तो इस तरह से नगर की जो पारिस्थितिकी है वो भी जिम्मेदार होती है कि वो नगरीय फैलाव को जो है स्फूर्ति प्रदान करती है। और सामान्यतः हम ये देखते हैं कि ये जो नगर का जो फैलाव होता है वो जो परिवहन जो मार्ग होते हैं उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। उसका कारण भी क्या होता है कि जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं नगरीय क्षेत्रों में या नगर के अंदर जो प्रक्रियात्मक रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन अधिवास के रूप में बाहरी सटे हुए क्षेत्र के अंदर वो बनाते हैं, तो वो कार्यकलापों के लिए या सामान के लिए जो है नगरीय क्षेत्र के अंदर उनको रेगुलर जाना पड़ता है। तो ये जो नगरीय जो क्षेत्र है यहाँ चारों तरफ जो परिवहन मार्ग जो निकले हुए रहते हैं इसके चारों तरफ ही जो अधिवास या विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं उनका विकास होना शुरू हो जाता है द्वितीय चरण के अंदर। इस तरह से एक इस तरह का तारानुमा जो है नगरीय जो फैलाव है हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है। अब हम तृतीय चरण की बात करें तो यहाँ अब क्योंकि नगर का फैलाव हो चुका है वहाँ पर विभिन्न अधिवास और औद्योगिक गतिविधियों का प्रसार परिवहन मार्गों के अकॉर्डिंग हो गया है। और क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं ये नगरीय प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ इनको नियोजित रूप से नगर से जोड़े रखने के लिए और नियोजित डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर नियोजन का जो है आरंभ शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि नगरीय प्रशासन ये महसूस करता है कि भले इस बाहरी क्षेत्र के अंदर सैटेलाइट टाउन है जिनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रियात्मक रूप से और आर्थिक सामाजिक रूप से मुख्य नगर से जुड़े हुए रहते हैं तो इस बाहरी सीमा के अंदर एक मास्टर प्लान के द्वारा इस तृतीय चरण के अंदर डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है। बाहरी जो सीमा होती है उसका पुनर्निर्धारण किया जाता है और बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको पूरी तरह नगर के अंदर उसको शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि उसका नियोजित व्यवस्थित आधारभूत संरचनागत विकास किया जा सके। जब चतुर्थ चरण की बात करते हैं, क्योंकि तृतीय चरण के अंदर जो बाहरी क्षेत्र है उसको नियोजन के दृष्टिकोण से हमने अंदर शामिल कर दिया,
तो पुनः धीरे धीरे वहाँ पे जनाधिक्य हो जाएगा, उस तरह की स्थितियाँ होती है, तो फिर बाहर की तरफ जो है फैलाव जो है, प्रसार जो है हमें देखने को मिलता है। तो लोग बाग जो है उस नगरीय क्षेत्र से गांव की तरफ जाते हैं, फार्म हाउसेज बनाते हैं, बंगला हाउस बनाते हैं। ये प्रवृत्ति विभिन्न जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनके बाहरी क्षेत्रों के अंदर जो फार्म हाउस और बंगलाज की जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलती है। आप किसी भी भारत के अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो ये प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप से हमें देखने को मिलती है। दिल्ली से बाहर चाहे आप गुड़गांव चले जाएँ या आप फरीदाबाद चले जाएँ तो वहाँ पर इस तरह के फार्म हाउस और बंगलोज काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो उपनगर या ग्रामीण नगर निर्मित क्षेत्र जो होते हैं या फार्म हाउस से जो हैं बंगला हैं या जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो हैं, जो बाहरी क्षेत्र संस्थागत जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ये बाहर के क्षेत्र के अंदर भी खुलना शुरू हो जाते हैं, बाहरी जो खुले क्षेत्र के अंदर। और उसका परिणाम क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे जो मनोरंजन जो पार्क होते हैं वो बार हाउसेज हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनका भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब ये लगता है कि ग्रामीण और नगरीय जो हैं एक दूसरे के अंदर संक्रमित हो गए हैं, और ये अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है और कौन सा जो क्षेत्र होता है वो नगर के अंदर शामिल किया जाएगा। जब आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर जाते हैं, बड़े बड़े जो फार्म हाउसेज देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इस तरह के जो जो हाउस है या आधारभूत संरचनाएं जो वहाँ बन रही हैं वो नगरीय क्षेत्र में हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ आसपास का जो आदिवासी जो स्थितियाँ हैं वो ग्रामीण दृष्टिगत होती हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो भूगोलवेताओं ने कई बार इस चौथे चरण के अंदर जो नगरीय प्रसार जो बाहरी क्षेत्र के अंदर होता है उसको नगर ग्रामीण नगरीय जो सांतत्य है उसके रूप में उसको परिभाषित किया है। भारत के लगभग जितने भी महानगर हैं वहाँ पर इस तरह की जो स्थितियाँ हैं हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो नगरीय जो प्रसार जो हुआ है उससे क्या चुनौतियाँ हमको देखने को मिल रही है, एक सबसे बड़ी जो समस्या ये आई है कि नगर के अंदर जनाधिक्य बढ़ता है, विभिन्न आदिवास के रूप में ले लीजिए, औद्योगिक गतिविधियों के लिए लीजिए, अपने सराउंडिंग्स की जो पेरिफेरी वाली जो भूमि है उसको ले लेता है और वो बेसिकली एक एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो उसका जब अधिग्रहण कर लिया जाता है तो धीरे धीरे होता ये है कि कृषि भूमि में कमी आना शुरू हो जाती है, और जो नगर का जो प्रदूषणकारी जो प्रभाव है वो इस बाहर का जो नगरीय प्रसार जो क्षेत्र होता है वहाँ भी देखने को मिलता है। अनियोजित भूमि उपयोग यहाँ देखने को मिलता है, और कई बार ग्रामीण नगरीय जो सांस्कृतिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो भी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम में जो विभिन्न जो समस्याएं हैं जो इस नगरीय प्रसार के कारण हमें देखने को मिलती है, चाहे वो अर्बन डेंसिटी के संदर्भ में हो या वो लैंड यूज पैटर्न के संदर्भ में हो या जो सरफेस जो होता है सतह की जो धरातल जो होता है उनकी विशेषताओं के संदर्भ में हो, जैसे बात करें तो यहाँ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल सोइल जो होती है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ आदिवासी गतिविधियाँ के प्रसार होने के कारण जो भूमि होती है वो प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। यहाँ अगर हम अर्बन डेंसिटी की बात करें, लो एफिशिएंसी ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हमें देखने को मिलती है, और अगर लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो रिड्यूस क्वालिटी ऑफ हैबिटेट स्पेस है, हाई ऑटोमोबाइल डिपेंडेंस यहाँ पे होगा, लो एफिशिएंसी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, चेंज ऑफ माइक्रो और मैक्रो जो क्लाइमेट होती है उसमें जो एक ग्राम भारी जो सीमा पेरिफेरी वाला जो क्षेत्र होता है वो और जो नगरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ की जो क्लाइमेटिक जो स्थितियाँ हैं उसमें भी हमें जो परिवर्तन धीरे धीरे होने लग जाता है इन गतिविधियों के कारण, जो रिड्यूस क्वालिटी ऑफ रिक्रिएशन एरिया जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इस नगरीय फैलाव के कारण हमें देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।